मेरे साथ कांगड़ा क्षेत्र के जो सम्मानित लोग सम्मानित मंच पर उपस्थित हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफी चाहती हूँ कि हमें 2 घंटे की देरी हो गई। आप लोग लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, कुछ मीटिंग ऐसी हो गई थी, बाहर से नेता आ गए थे तो उनके बीच जाना जरूरी था। और आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग 2 घंटे तक भी हमारे लिए यहाँ पर बैठे और हमारी बात सुनने के लिए आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो चुनाव है, पूरे देश में चुनाव का माहौल है। हमारे यहाँ 19 तारीख है, साइकिल का हमारा निशान है और चुनाव आपके हमारे लिए कितना अहम है ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। बड़ी राजनीति की बातें छोड़कर अगर अपने क्षेत्र की ही बात करें तो पिछले 5 साल में जो आपके क्षेत्र में काम होने चाहिए थे, जिस तरीके से हमें डबल इंजन का लाभ मिलना चाहिए था, वो हम तक पहुंच नहीं पाया, क्योंकि सत्ता में और जनता तक जो बीच की कड़ी होती है वो जनप्रतिनिधि होता है। और जनप्रतिनिधि का सबसे पहला कर्तव्य है अपने लोगों के सुख दुख में उनके बीच रहना, उनका मान सम्मान करना, उनकी परेशानियों से अवगत होना, उनकी परेशानियों का निस्तारण कराना या उन्हें संसद में उठाना। और इन सारे ही का जो कार्य है इनसे हमारा क्षेत्र वंचित रहा है। तो आज यही मौका है हमारे पास कि हम पार्टी बाजी और पार्टी लाइन की भी बात छोड़कर अपने क्षेत्र के मुद्दे, अपने क्षेत्र के विकास और अपने क्षेत्र की राजनीति पर इस चुनाव को लड़ रहे हैं और इसमें आपके सबके साथ की ज़रूरत है। ये जो हमारा क्षेत्र है, खासकर जो हमारा ज़िला है, यहाँ के लोगों की थोड़ी आदत खराब है, क्योंकि यहाँ पर हमें हमेशा हमारे ऊपर ऐसे लोग रहे, ऐसे दिग्गज रहे जिन्होंने हमें कोई कमी आने नहीं दी। उधर मामा की तरफ हमारे सहारनपुर की तरफ तो थोड़ा ठंडा है राजनीति के हिसाब से मामला, लेकिन हमारी तरफ हमेशा इस क्षेत्र में बड़े दिग्गजों का बोलबाला रहा है, चाहे उसमें बाबू ऊधम सिंह जी हो, चाहे हमारे मंत्री जी हो, चाहे मेरे वालिद साहब हो, चौधरी मुनव्वर हसन हो। इन लोगों ने हमेशा अपने लोगों के लिए जान अड़ाकर काम करने का काम किया और अब पिछले 5 सालों से हमारा ये जो क्षेत्र है खास तौर पर एक कमी महसूस कर रहा था, थोड़ा सा बेबस हो गया था कि कोई सुनवाई के लिए मौजूद नहीं था, किसी के पास जा नहीं सकते थे। तो ये आपके लिए मौका है, ये चुनाव का मौका है। ये 5 साल में हमें इसीलिए ये मौका मिलता है कि अगर हमसे कुछ गलती हुई हो तो हम सही चयन कर सके। तो ये आपके हमारे पास सुनहरा मौका है और मैं आपकी बेटी हूँ, इस क्षेत्र की बेटी हूँ, आपकी बहन भी हूँ मैं। पिछली बार आपने हमारे माननीय सांसद जी को यहाँ से मौका दिया, इस बार मैं आपसे ये मौका मांगने आई हूँ कि उनको उनका मौका आपने दे दिया। अब मैं आपकी बेटी हूँ, आपसे यही गुहार लगाने आई हूँ कि ये मौका आप मुझे भी दें। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि जिस तरीके से मेरे पिताजी और सभी हमारे क्षेत्र के जो बड़े दिग्गज रहे हैं वो लोग जिस तरीके से आपके बीच में रहकर आपको आपकी किसी परेशानी में कमी का एहसास नहीं होने देते थे, उसी तरीके से आपके सुख दुख में, आपकी सम्मान की लड़ाई में मैं आपके बीच रहकर आपकी लड़ाई मजबूती से लड़ने का काम करूँगी। हमारा जो प्रचार चल रहा है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, 36 बिरादरियों का हमें समर्थन मिल रहा है। तो आप सबसे मेरी यही अपेक्षा है, सबसे पहले आदमी अपने घर से शुरुआत करता है और जब घर से मजबूती मिलती है तभी हिम्मत होती है कि आगे जाकर उसे बढ़ोतरी मिले, बाहर जाकर भी वो लोगों में अपना प्रचार कर सके। तो आप लोग मेरा घर हो, मेरे बड़े हो, आपने हमेशा हमें मान सम्मान दिया। यहाँ पर जितने बुजुर्ग खड़े हैं, मेरे पिताजी के साथ आप लोगों ने काम किया है, उनकी कार्यशैली से आप लोग वाकिफ हैं। वो बिना किसी धर्म जाति के राजनीति करते थे और कोई भी उनके पास आ गया उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि वोट दिया या नहीं दिया। जो सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति होता था उसको आगे बुलाकर उसका काम सबसे पहले करते थे। तो उनकी ये विचारधारा है और इसी को मैं आपके आशीर्वाद से आगे ले जाना चाहती हूँ और आप सबसे
आप सबसे यही उम्मीद करती हूँ कि इस बार आप अपनी बेटी को आशीर्वाद देंगे। मैं छोटी हूँ और मुझे आपके सबके साथ की और सहयोग की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनाव है, टाइम भी बहुत कम है। तो जो भी आप लोगों के रिश्तेदार और संपर्क के लोग हैं उनसे भी आप वोट भी मांगे और प्रचार का भी प्रयास कीजिए करने का। और आप लोग बड़े हैं, आप लोगों को ही आगे की मुझे आप डांट भी सकते हैं, मुझसे कोई गलती हो गई तो डांट भी सकते हैं आप मुझे। तो मैं आपकी बेटी हूँ, आपसे विनती करती हूँ कि अपना आशीर्वाद आने वाली 19 तारीख को साइकिल का बटन दबा कर इंडिया गठबंधन को।